गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्जाम कोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण मतलब कि ये हमारा सेकंड जो है, एक तरीके से आप मान सकते हो कि आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर आप मान सकते हो, ठीक है। या तो आप इसे सेकेंड एक तरीके से टॉपिक मान सकते हो, ओके। तो आज हम बात करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपने कभी भी पढ़े नहीं होंगे, है ना। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है ना, इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। वर्गीकरण मतलब होता है कि किसी चीज़ का वर्गीकरण करना, मतलब कि डिफरेंस निकालना, एक तरीके से कि चार चीज़ें दी हुई हैं, है ना, उसमें से डिफरेंट कौन सी दिख रही है उसको आपको निकालना होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या चीज़ डिफरेंट दिख रही है, कार लिखा हुआ है, बस है, स्कूटर है, जीप है। तो देखिए आपको क्या इसमें से डिफरेंट लग रही है, है ना। तो आपको एक चीज़ इसमें समझ में आ रही होगी कि इसमें भी चार पहिए होते हैं, इसमें भी चार पहिए, इसमें भी चार पहिए, लेकिन स्कूटर में दो ही पहिए होते हैं, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, ओके। तो जो चीज़ें सेम रहेंगी वो तो अलग हो जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें वर्गीकरण मतलब कि डिफरेंट चीज़ें, ओके, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। डिफरेंट थिंग्स, तो डिफरेंट थिंग्स मतलब कि देखिए यहाँ पर स्कूटर हो गया, तो ये चीज़ डिफरेंट है और इसको आप इसमें इस तरीके से इसमें लगा सकते हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा हार्ड दूंगा और आप लोग जब लिखिएगा तो उसको मुझे बताइएगा, ठीक है। श्वसन, तैरना, नृत्य करना, खेलना। श्वसन, तैरना, नृत्य करना, खेलना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ओके। ए, सी, बी, डी। अब इसमें से देखिए कि कौन सा डिफरेंट है, ओके। तो ये क्लास बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सिंपल भी है, तो इसमें आपको कोई बोरिंग हो भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसको आपको समझना ज़रूरी नहीं है, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि श्वसन, तैरना, नृत्य करना, खेलना, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ कॉमन है, मतलब कि एक ही में आ जाती है ना। तो आप देख रहे होंगे कि जो श्वसन है और तैरना है और नृत्य करना है और खेलना, ओके, इन चारों चीज़ों के बारे में हमें पूछा गया है, ओके। तो चलिए हम लगाएंगे इसको और किस तरीके से समझेंगे ये आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि खेलना, तैरना और नृत्य करना, ये सब चीज़ें किससे हैं, एक तरीके से आप मानो तो एक तरीके से ये सब चीज़ें गेम के तौर पे हैं, ओके। गेम के तौर पे मतलब एक तरीके से आप इसे खेल सकते हो, कर सकते हो, है ना। लेकिन जो एक तरीके से अगर आप मानो तो यह एक एक्सटर्नल क्रिया है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल क्रिया है, मतलब कि बाहरी क्रिया, मतलब कि आप हाथ आपके बाहर है, है ना, ये सब चीज़ें बाहरी क्रिया है। लेकिन जो श्वसन है वह एक तरीके से मानो कि आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन भी तो कैसे कैसे है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, 512, इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा, 512, 625, 1296, 2401, ओके। ए, सी, बी और डी, ये चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि डिफरेंट कौन सा है।
अब इसमें आपको बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। इसमें घन और स्क्वायर याद होने की आपको बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी, है ना, जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, 512। ठीक है, 512 क्या है, एक तरीके से यह जो 512 है यह घन है ना। और इसको आप करोगे तो 25 25, और 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 हो जाएगा, है ना। तो और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये स्क्वायर हैं और ये चीज़ घन है, मतलब कि जैसे मैंने बताया था 8 का स्क्वायर करोगे तो 500, और 8 क्यूब करोगे तो 512 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ घन है और ये सब चीज़ स्क्वायर है, इसलिए जो डिफरेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 512। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि ये चीज़ आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे की क्लास में सीख ली होगी, है ना, डिफरेंट चीज़ें को निकालना, है ना। तो इसमें सब चीज़ को की आवश्यकता होती है, ठीक है, जीके जीएस और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के जो टॉपिक्स हैं, जो वर्गीकरण है, वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। और इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग लीजिएगा वो क्लास को, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।